हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शर्मा लेक्चरर माय सेल्फ शरण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 साइंस को पढ़ाइए, तो फाइनली आज स्टार्ट हो चुका है क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर को आज हम लोग फाइनली खत्म करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हमारा वन सॉल्व वीडियो है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को इसी वीडियो में पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 केमिस्ट्री का, यानी कि साइंस का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होता है, उसका डिफिनेशन समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सचेंज होना, ठीक है। दो चीज मिलकर कोई एक चीज बनाना, इस चीज से वो चीज बनाना, ठीक है। तो यहां देखो, मैं आप लोगों को परिभाषा में समझाता हूं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करना ही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमारे दो पदार्थ हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना, पानी, यानी कि H2O। तो वो हमारा क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगा बच्चों, क्योंकि वहां दो या दो से अधिक पदार्थ कर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को फीलिंग के साथ समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक एक टॉपिक, ठीक है। तो अब आप लोगों से कोई पूछे कि बच्चा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो सीधा बता देना कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, इसको वायु की उपस्थिति में आप ले जाओगे, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो हमारा मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जो धातु होता है वो आपका, अगर हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमेशा धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम धातु है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो हमारा क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपको रिएक्शन के साथ समझा देता हूं, नाम आप लोग लिख लेना। जैसे हम पहला रिएक्शन समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, तो आप लिख लेना, मैं प्रतीक के रूप में लिख देता हूं, ठीक है, मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम लिख लेना, ठीक है। मैग्नीशियम में प्लस आपने क्या किया, आपने लिया ऑक्सीजन, यानी कि O2, ठीक है। अब मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन मिलाया तो हमारा क्या बनेगा, यानी कि एक धातु है, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा याद रखना कि वो धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO बनाएगा, क्या बनाएगा, MgO। अगर आपको बैलेंस करना है तो यहां हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो यहां भी आप 2 लगा दो, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हमारा इधर Mg क्या है, वो कितना है, वो हमारा 2 है, तो इधर भी आप Mg के आगे 2 लगा दो। अभी मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को बैलेंस करना इतना अच्छे से समझा दूंगा कि जन्मों जन्म याद रखोगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ये हमारा एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूं, इसको मैं बैलेंस नहीं करूंगा, ये मैं आप लोगों को साथ में बैलेंस कराऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि H2, H2 में आपने O2 मिलाया, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन में आपने क्या मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया, तो वो हमारा क्या मिलेगा, आप लोग हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमेशा पानी बनाती है, यानी कि जल, H2O। ये भी हमारा एक रिएक्शन है, बट ये हमने बैलेंस नहीं किया है, ये विदाउट बैलेंस है, ठीक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले यही समझाऊंगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो यहां हमेशा समझना कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हमारा ये दो चीजें मिली, एक ये मिला और एक ये मिला, तो हमारा क्या बना, एक चीज, वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि दो चीज मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। ऐसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि दो आप पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पानी का निर्माण किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, बहुत ही अच्छे से। और आप लोग लिख लेना, जैसे ये हमारा मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम लोगों को यही समझना था कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं बच्चों, अगला टॉपिक ध्यान से समझना। अब हमसे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हम कैसे पहचाने कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो कैसे पहचानोगे। ये हमारा अगला यही हेडिंग है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंज होना, ठीक है। तो वो समझना कि रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रश्नों द्वारा पहचाना जा सकता है, कैसे, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, देख लेना। पहला, अवस्था में परिवर्तन,
अगर अवस्था में परिवर्तन होता है तो आप ये समझ जाना बच्चा कि वो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हमारा ठोस से द्रव में बदल जाए वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई चीज ठोस से द्रव में बदल जाए, ठीक है, या फिर ऐसे आप लोगों का परिवर्तन हो। रंग में परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन होता है तो भी आप लोग समझ जाना कि वो क्या है, एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, जैसे काला से हरा हो जाए, हरा से नीला हो जाए, नीला से पीला हो जाए, तो वो हमारा रंग में परिवर्तन है। गैस में परिवर्तन यानी कि गैस निकलना जो जानती हो, कोई भी रिएक्शन करो अगर गैस निकलती है तो वो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है। टेम्परेचर यानी कि ताप में परिवर्तन, अगर आपका टेम्परेचर हाई लो होता है तो ये समझ जाना कि वो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। अवक्षेप का निर्माण यानी कि जैसे झाग होता है, झाग का निर्माण होता है, तो वो समझ जाना कि हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये पांच पॉइंट, अगर ये पांच पॉइंट आपको दिखे तो आप ये समझ जाना कि वो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये समझ जाना और पहचान लेना कि वो हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें। सारे बच्चे नोट करते रहना, ये पांच पॉइंट नोट कर लो, अवस्था में परिवर्तन एंड रंग में परिवर्तन, गैस में निकलना एंड ताप में परिवर्तन एंड अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। इससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करते हैं। तो ये भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक इसका, ये देखो ध्यान से। अब एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, हमने रिएक्शन समझा दिया, लेकिन एक बात आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर जैसे मैंने समझाया क्या था कि H2 है प्लस O2 है, गिव्स आउट H2O, अभी मैंने समझाया, तो आपके माइंड में एक बात आया होगा, सर ये तीर के इस साइड क्या है और तीर के इस साइड क्या है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, दोनों कुछ ना कुछ तो अलग अलग है, इसीलिए तो हमने ये एरो का निशान लगाया, वरना एक साथ तो लिख सकते थे ना। तो वो अब हम लोग समझेंगे। अब देखो दो भाई हैं, एक है अभिकारक एक है उत्पाद, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे ना, ये रिएक्शन को अलग अलग करेंगे, मतलब रिएक्शन को बांट देंगे। जैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, मतलब केवल भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, तो वो हमारा एक अभिकारक होता है, ठीक है। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। देखो उत्पाद का मतलब होता है उत्पादन होना, जैसे हम किसी चीज को मिलाकर जो चीज बनाते हैं जिसका निर्माण होता है वो हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक है। तो बच्चों वो हमारा क्या होगा, उत्पाद होगा। मैं आप लोगों को एक रिएक्शन के साथ समझा देता हूं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ध्यान से समझना। जैसे हमारा है, वही मैं रिएक्शन ले लेता हूं, Mg प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2, और हमें मिला क्या, गिव्स आउट MgO। इच्छा करें आप बैलेंस कर लो 2-2 लगाकर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमारा अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहां डायरेक्टली बता दिया है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भाग कौन कौन लिए हैं, दो लोग, एक हमारा क्या लिया है, एक हमारा मैग्नीशियम ने लिया है, एक ऑक्सीजन ने लिया है। तो ये आप लोग समझ जाना, ये हमारा क्या है, अभिकारक। क्या है बच्चों, अभिकारक, ठीक है। अब जो चीज हमें मिला है, यानी कि हमें जो परिणाम मिला है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद, ठीक है। अब आपसे कोई भी रिएक्शन पूछे, अगर आपसे कहे कि इसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो बहुत आसानी से बता दोगे ना, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जैसे आप ऐसे खड़े हो ना, ऐसे, अब ये वाला साइड हमारा क्या होगा, ये अभिकारक होगा, ये वाला साइड उत्पाद होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। स्टूडेंट अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया, अब हम लोग समझेंगे जो हमारे रासायनिक समीकरण है वो क्या है, ठीक है। जैसे हमारा रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में लिखते हैं ना, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है, जो आपका एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, अभी जैसे मैंने बताया H2 plus O2 gives out H2O, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है ना, लेकिन जो वो रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले जो हमारे अभिकारक एवं उत्पाद, अभी मैंने बताया कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने बताया ना कि H2 और plus O2 gives out H2O,
अब ये हमारा आगे वाला अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा, ठीक है। तो अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सवो, सवो का मतलब होता है जैसे आपका ABCD के रूप में लिखना, ठीक है। सवो के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे आप लोग समझना, जैसे हम लोग मैग्नीशियम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं वायु में, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैग्नीशियम रिबन का दहन वायु की उपस्थिति में करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, उसको हम सॉल्ट में लिख सकते हैं Mg+O2 गिव्स आउट MgO। बस ये जो हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दें, बस वो हमारा छोटा सा हो जाएगा, उतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से क्या फायदा। तो वही चीज होती है रासायनिक समीकरण। जैसे मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन, उदाहरण समझो, मैंने यहां थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है का वायु में दहन करने पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत, हम इसे क्या करेंगे, प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, सौ के रूप में लिखेंगे, तब हमारा एक रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे हमारा क्या है, इसको अगर हमें लिखना है लाइकेज, मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा Mg है, इसको हम लोग नीचे समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारा Mg है बच्चों, प्लस O2 है, Mg+O2, यानी कि ये हमारा मैग्नीशियम हो गया, Mg हमारा मैग्नीशियम हो गया, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो वो हमारा O2 हो गया, ठीक है। गिव्स आउट हमें मिलेगा बच्चों Mg, वो मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करना है कर लो, यहां 2 लगा लो, यहां 2 लगा लो, तो ये हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना बहुत आसान तरीके से, 2Mg+O2 गिव्स आउट 2MgO, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर हमारा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये हमारा प्रतीक या सवो के रूप में मैंने लिखा है, किसको, अभिकारक एवं उत्पाद को। ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा जो है वो उत्पाद है, ठीक है। रासायनिक समीकरण समझ में आ गया ना, बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। तो ये हमारा है रासायनिक समीकरण। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करें, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों का इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अब हमारा सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है बहुत ही अच्छे से। देखो, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनके पक्ष, जो आपके दोनों पक्ष, जैसे आपका बाईं ओर और दाईं ओर, यानी कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, दोनों पक्षों में बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हमारा क्या है कि अगर हमारा संख्या बराबर नहीं है, तो समझ लो वो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है और वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। और जब आप इसको बिल्कुल बैलेंस कर लोगे, तो समझ जाना कि वो हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना कि अभिकारक तथा उत्पाद में जो हमारे क्या है परमाणुओं की संख्या है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो ये समझ जाना कि वो हमारा क्या है, एक संतुलित रासायनिक
समीकरण है, ठीक है, वो हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि इसकी विधि समझेंगे कि हम लोग कैसे इसको विधि इसका, तो अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलो हम लोग समझते हैं अगले पेज से। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने समझा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि आप लोग समीकरण को संतुलित कैसे करोगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक टेबल के द्वारा समझाऊंगा कि आप एक टेबल के द्वारा समझोगे, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कोई भी समीकरण आपको दे दे तो आप तुरंत संतुलित कर लोगे, ठीक है। तो यही चीज हम लोग समझेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड एक समीकरण नहीं, मैं आपको दो से तीन समीकरण समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है ट्रिक के साथ। सबसे पहले आप ये समझो हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक टेक्निक से समझना है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक टेक्निक से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आप यह समझो कि जैसे एक हमारा फैमिली होता है, एक पिता होता है, ठीक है, उनके दो बेटे हैं, तो दोनों को बराबर हिस्सा है ना, बराबर दोनों को होना चाहिए ना। मतलब अगर मान लो आपके पास 6 मैंगो है तो 3 मैंगो छोटे बेटे को और 3 मैंगो बड़े बेटे को देना चाहिए। सेम वही चीज यहां समझना है बच्चों, ध्यान से समझना। ये समझ लो एक हमारा मतलब अभिकारक है, यानी कि एक बेटा है, ये दूसरा बेटा है यानी कि उत्पाद है, ठीक है, अभिकारक ये है, उत्पाद ये है, तो मतलब ये दो बेटे हैं। अब दोनों में क्या होना चाहिए, मैंगो की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब परमाणुओं की संख्या कैसे पता करेंगे, देखो यहां Fe हमारा कितना है, ओनली 1, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मान लिया जाता है, ठीक है, Fe 1 है, और यहां हमारा Fe कितना है, 3 है, क्योंकि यहां 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है। यहां जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 है, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये बैलेंस है, लेकिन हमारा यहां ऑक्सीजन जो है वो 1 है और यहां ऑक्सीजन 4 है। तो अब इसको आप बैलेंस कैसे करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। अब चलो हम लोग बैलेंस करने की ट्रिक समझते हैं। देखो हमारे पास ये है टेबल, यहाँ तत्व है, यहाँ हमारा अभिकारक है, यहाँ उत्पाद है, ठीक है। अब हमारा तत्व इसमें कौन कौन सा है, Fe है पहला तत्व, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, ये सारे तत्व हैं, ठीक है। तो हम नाम लिख देते हैं तत्व का, एक हमारा क्या है Fe है, एक हमारा क्या है हाइड्रोजन है, एक हमारा क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तीन तत्व हैं। अब ये बताओ कि अभिकारक में कितना आपका Fe है, ओनली 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मान लिया जाता है, तो यहां अभिकारक में हमारा 1 है, ठीक है, 1 Fe, एंड हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन को यहां 2 कर दो, ठीक है, संख्या बता रहे हैं, एंड हमारा जो ऑक्सीजन है वो 1 है, तो यहां ऑक्सीजन को 1 कर दो, ठीक है। अब उत्पाद में आते हैं, उत्पाद में जो Fe है वो कितना है बच्चों, 3 है, तो Fe हम 3 लिख देते हैं, ठीक है, और O कितना है बच्चों, O हमारा 4 है, तो यहां O के पास लिखो 4, एंड हमारा हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2, तो हाइड्रोजन 2। अब ये एक टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ध्यान से समझना, क्योंकि यही आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम इसको बैलेंस कैसे करें, अगर हमारा Fe जो है अभिकारक में 1 है, तो अगर मैंने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, अगर मैंने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा Fe जो अभिकारक है और उत्पाद है दोनों में बराबर हो जाएगा ना। तो चलो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं बैलेंस होता है या नहीं। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा Fe कितना है 3 और यहां Fe कितना है 3, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में Fe जो है वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब हमारा देखो हाइड्रोजन तो बराबर है, ठीक है, अब हम यहां ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आपने ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहां ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, लेकिन अगर हमने अभिकारक में 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में किया, ये अभिकारक में, तो ये देखो साथ में है ना दोनों H2O, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मतलब क्या है कि हमारा अगर यहाँ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन में भी साथ में ही मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, तो ये साथ में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा पानी बनता है, तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग तो किया नहीं जा सकता, साथ में ही रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारा 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका बराबर हो गया ना, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो आपका बराबर हो गया सारा, देख लो Fe कितना है,
3 है, यहां भी 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, यहां भी 8 है, ऑक्सीजन यहां 4 है, यहां 4 है, हो गया ना बैलेंस। इस टेबल के द्वारा पहले आप 2-3 इक्वेशन समझना, फिर आप आसानी से कर सकते हो। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, हमारा जो बैलेंस रिएक्शन है 3Fe हो गया प्लस 4H2O हो गया, गिव्स आउट बच्चों Fe3 है, O4 है प्लस 4H2O, ये बैलेंस हो गया। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। चलो मैं आप लोगों को एक और रिएक्शन के साथ समझाता हूं, एक रिएक्शन और समझना, छोटा सा रिएक्शन है, जैसे पानी बनाना है, दूसरा समझ लो, जैसे हमारा है H2 एंड प्लस O2 गिव्स आउट बच्चों H2O, इसको कैसे बैलेंस करोगे? इसको मान लो आपको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे बैलेंस करोगे? देखो ये बोर्ड एग्जाम में आता भी है। देखो H2 हमारा कितना है, 2 है, यहां हमारा H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां हम हाइड्रोजन को 2 कर देते हैं। टेबल बना लेना अगर आपको प्रैक्टिस करना है। यहां हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहां ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन यहां भी 2 है, हाइड्रोजन यहां 4 है, यहां 2 है, तो यहां हम 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। तो कुछ चीजों को कोई जरूरी नहीं आप टेबल बनाकर ही समझो, आप अपने माइंड से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, ऐसे आप प्रैक्टिस करना। और कोई भी मान लो रासायनिक समीकरण आप बैलेंस नहीं कर पाते हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक स्टूडेंट, अब हमारा आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उनके प्रकार को समझेंगे, एक एक प्रकार को समझने वाले हैं। जैसे बहुत सारे हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा अभिक्रिया है बच्चों, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मतलब जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। वियोजन का मतलब टूटना, विस्थापन का मतलब विस्थापित होना, सारी चीजें समझेंगे। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ अगर जुड़कर कोई नई चीज बनाती है, तो वही तो हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। चलो मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन समझा देता हूं संयोजन अभिक्रिया का, बहुत अच्छे से समझना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलती हैं, तो क्या बनता है, ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाई, यानी कि H2 plus O2 gives out H2O, ये भी हमारी एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस आपका ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत सारी अभिक्रिया आपके इसके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा जो हमारा एग्जांपल्स है, तो हम लोग यहां थोड़ा सा एग्जांपल अच्छे से समझते हैं, ठीक है। संयोजन, देखो ध्यान से समझना, संयोजन जैसे एग्जांपल, संयोजन का मतलब है एग्जांपल, यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं, ठीक है। जैसे हमारा ए और वी, जैसे हमारा ए प्लस वी, ये समझ लो हमारा A प्लस बी यानी कि जुड़ कर क्या बनाती है? ए वी, यानी कि हमारी दो चीजें हैं और वो क्या बनाई? एक चीज, वो क्या बनाया? ए वी। अभी मैं आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे बहुत सारे उदाहरण। तो हमारा A और प्लस बी, यानी कि A प्लस बी दोनों लोग जुड़कर हमारा एक पदार्थ ए वी बन गया, ठीक है। अब मैं आपको एक समझाता हूं उदाहरण, ठीक है। नाम लिख लेना, नाम मैं नहीं लिखूंगा, दो से तीन उदाहरण समझाऊंगा। देखो जैसे हमारा अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? HCl की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी? HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हमारा ये क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें गिव्स आउट क्या मिलेगा? गिव्स आउट हमें मिलेगा NH3 जो है वो
क्या कर लेगा, NH3 हमारा है ये और Cl सारे एक साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा दो चीजें मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना है, तभी तो हमारा संयोजन अभिक्रिया होगा। तो यहां देखो ध्यान से, यहां NH3 है, यहां एक H और जुड़ जाएगा और NH4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, ठीक है। और जो Cl है वो भी साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नाम लिख लेना बच्चों, ये हमारा है अमोनिया, ये हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जुड़कर हमारा क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा समझ लो बच्चों, अवस्था भी लिख सकते हो, जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन ये किस अवस्था में होता है, हमारा ठोस यानी कि सॉलिड, तो S बगल में लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ना, अवस्था भी साथ में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड प्लस हमारा देखो ये मतलब कोयले का दहन होता है, जैसे कोयला होता है उसका दहन कराओगे, तो दहन करने का मतलब ऑक्सीजन होता है, वो जुड़ जाएगा कोयले के साथ, तो ऑक्सीजन का मतलब है कि O2, और O2 हमारा किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों, गैस की अवस्था में, ठीक है। ये हम रिएक्शन काफी सारे समझा देते हैं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आए। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन और हमारा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाया, जो कि ये भी एक गैस की अवस्था में होता है। ये रिएक्शंस बहुत सारे हैं, आप नोट कर लो, ठीक है, ये दो रिएक्शंस आप नोट कर लो, और भी रिएक्शंस आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया और इसके उदाहरण समझ में आ गए ना, बस मैं आपको रिएक्शन से समझा देता हूं। जैसे कहना ये है इसका परिभाषा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अगली अभिक्रिया, जो कि हमारा है वियोजन अभिक्रिया। देखो बच्चों, अब वियोजन अभिक्रिया तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि संयोजन अगर आ गया समझ में तो वियोजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो वियोजन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, और इनके दो भाग भी होते हैं, एक उसमें वियोजन और एक हमारा है विद्युत वियोजन, ठीक है। तो हम दोनों को समझेंगे, पहले हम लोग ये समझते हैं कि वियोजन का परिभाषा डेफिनेशन। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व जो होते हैं, अवयवी तत्व ये छोटे छोटे कण लेना, ठीक है, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर टूटना है तो समझ लेना वियोजन है। वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत आदि से संपन्न होती है। देखो जब आप किसी पर ऊष्मा नहीं दोगे तो वो टूटेगा नहीं, ताप दो या ऊष्मा दो या विद्युत दो या ऊष्मा या फिर प्रकाश कुछ भी देना पड़ेगा, टेम्परेचर दो तो वो वियोजित होगा, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का हम लोग उदाहरण उनके प्रकार से समझते हैं, जो कि इनके दो प्रकार होते हैं, यहां एक एक को समझाते हैं, ठीक है। देखो हमारा वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा हमारा है विद्युत वियोजन, क्या है, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो अब हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऊष्मीय वियोजन कैसे होता है, जो हमारा ऊष्मीय वियोजन है वो कैसे होता है। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तब वो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं। विद्युत वियोजन का मतलब होता है हमें विद्युत देना पड़ता है, तब वे छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां समझो, मैं आप लोगों को डिफिनेशन समझा देता हूं। जब किसी पदार्थ का वियोजन या की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, अगर कोई भी अभिक्रिया है और जब तक हम इसे ऊष्मा ना दें तब तक वो नहीं टूटेगा, तो ऊष्मा अगर देना पड़े तो समझ जाना बच्चों ऊष्मीय वियोजन है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, बस आसान सा है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझा देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा है CaCO3। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो CA से होता है हमारा कैल्शियम, CO3 से होता है कार्बोनेट, तो ये याद रखना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, नाम लिख लेना, या फिर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख लेना, बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब इसको हमें तोड़ना है ना, तोड़ने का मतलब होता है हमें इसमें ऊष्मीय अपघटन करना पड़ेगा। ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है ऊष्मा देने पर अपघटन होना, टूटना, अब हम इसमें क्या करें, ऊष्मीय अपघटन कराए। अब जैसे ही हमने इसमें ऊष्मा दिया ना, ये क्या बन गया, ध्यान से समझना, हमारा यहां से CaO अलग हो जाएगा, यहां से CA और यहां से एक O अलग हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CA से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, और प्लस हमारा CO2 बाहर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। बस यही रिएक्शन है हमारा ऊष्मीय वियोजन का, ध्यान से समझना, कुछ है नहीं बच्चों। यहां हमने लिया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हमने ऊष्मीय अपघटन कराया, तो हमारा CaO बन गया प्लस CO2 बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों विद्युत वियोजन। दूसरा
दूसरा समझते हैं बच्चों विद्युत वियोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान है और अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो छाप कराना, ठीक है। विद्युत वियोजन में क्या है, सिंपल सी बात है, उसमें वियोजन में ऊष्मा देने पर हमारा छोटे छोटे कणों में टूटा, तो विद्युत वियोजन में भाई विद्युत देने पर छोटे छोटे कणों में टूटेंगे, बस सिंपल सी बात है, तो समझाने की कोई बात नहीं, आप खुद से भी लिख सकते हो कॉमन माइंड से। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का जो विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए वो हमारा विद्युत वियोजन कहलाता है। अगर हमारा यौगिक जो है वो विद्युत प्रवाह के द्वारा वियोजित होता है तो दिस इज विद्युत वियोजन, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चों विद्युत वियोजन कहलाता है। अब कहोगे सर इसका भी उदाहरण तो समझाओगे ना, तो उदाहरण तो समझाएंगे ही, सबसे पहले आप ये समझो कि विद्युत वियोजन होता क्या है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण समझते हैं बच्चों, उदाहरण हमारा है, एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, जैसे हमारा है टू आपका H2O, ये हमारा पानी है, ठीक है। इसमें हमें क्या करा है, विद्युत अवघटन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टूटकर हो जाएगा 2H2+O2, ठीक है, वैलेंस है ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों विद्युत वियोजन। यहां हमारा वाटर है, वाटर हमारा विद्युत देने पर टूटकर हमारा हो गया हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ये विद्युत वियोजन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए तो वो क्या होगा, विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है। विद्युत वियोजन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग समझते हैं अगला अभिक्रिया, वो है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। आप कहोगे सर विस्थापन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब तो आपने जुड़ना बता दिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, तो अब विस्थापन का मतलब क्या होगा, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित होना। जैसे आप एक सीट पर बैठे हो और उस सीट से विस्थापित होकर आप दूसरे सीट पर चले जाओ, ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। और बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, कैसे कहोगे, देखो ध्यान से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ का मतलब होता है जो अधिक प्रबल हो। अब भाई जब अधिक प्रबल होंगे आप तभी तो आप दूसरे को विस्थापित करके आप उनका स्थान ग्रहण करोगे, अगर आपके पास उतना शक्ति नहीं है तो आप उसे कैसे हटाओगे, ठीक है। तो वही बात है कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, जैसे एक गरीब इंसान है एक अमीर इंसान है, ठीक है। अब अमीर इंसान क्या करता है, वो अधिक प्रबल है, अधिक क्रियाशील है, उसके पास अधिक धन है, ठीक है। वो गरीब इंसान को विस्थापित कर देता है क्योंकि वो उनसे कम क्रियाशील है, कम धन है उनके पास, तो उसको विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। बस वही तो है विस्थापन अभिक्रिया। आसान सी बात है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल से भी बता देते तो मजा आ जाता, तो एग्जाम्पल समझ लो ना। Fe है बच्चों, Fe का मतलब क्या होता है, फेरस, ठीक है। यह हमारा लोहा प्लस CuSO4, ये क्या है, ये हमारा लिख लेना बच्चों कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट। अब देखो गिव शाउट, अब विस्थापन कैसे होगा, Fe जो है ना, Fe वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है, क्या है, Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये इनको विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेंगे, यानी कि Fe जो है SO4 हो जाएगा और Cu को बाहर कर देंगे क्योंकि Cu बेचारा गरीब है और वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा FeSO4 बन जाएगा प्लस Cu बाहर हो जाएगा, ये कॉपर है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है। तो ये हो गया रिएक्शन, Fe+CuSO4 gives out FeSO4+Cu, कॉपर को बाहर कर दिया क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो अगली हमारी जो अभिक्रिया है बच्चों वो कौन सी है, वो हम लोग समझेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना द्विव विस्थापन अभिक्रिया, क्या कर लेना, द्विव विस्थापन अभिक्रिया।
देखो है तो बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड भी लगेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कैसे इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आप परिभाषा समझ लो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर आपका नियमित द्वारा एक नए उत्पादन बनते हैं, इन्हें हम लोग द्विविस्थापन, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है दोनों तरफ से। जैसे इसमें FeCO2 को विस्थापित किया था विस्थापन में, लेकिन इसमें दोनों विस्थापित होंगे, इसीलिए इसका नाम हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया पड़ा। इसमें जो आयन होते हैं या मूलक होते हैं उसका विस्थापन होता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। विस्थापन होगा तो नए हमारे उत्पाद का निर्माण होगा। तो हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण आप लोग ध्यान से समझना, इसका उदाहरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड भी है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हम लोग उदाहरण में क्या समझेंगे, देखो जैसे हमारा Na2 है एंड SO4 है, ठीक है, Na2 और SO4 की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे, इसकी अभिक्रिया हम लोग BaCl2 से कराएंगे। अब देखो यहां क्या होगा ना कि Na जो है हमारा Na वो क्या करेगा, ये Va को विस्थापित कर देगा और Va जो है Na2 को विस्थापित कर देगा, अर्थात हमारा क्या बन जाएगा, VaSO4 बन जाएगा, ये जो है VaSO4 बन जाएगा और प्लस हमारा यहां 2Na है और यहां 2Cl है, यानी कि 2HCl बन जाएगा, सॉरी 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl, ठीक है, क्योंकि हमारा 2Na यहां है ये, और यहां हमारा Cl भी दो है बचा था, तो यहां हमारा 2NaCl बन गया। मतलब यहां दोनों चीजों को, तो आयनों का हमारा विस्थापन हुआ, यहां से हमारा Na2 भी विस्थापित हो गया, Ba भी, यानी कि दो बार विस्थापन हुआ ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया पड़ा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको उदाहरण समझ में आ गया। अब ये हमारा क्या है बच्चों, Na से सोडियम, SO4 से सल्फेट, ये हमारा सोडियम सल्फेट है, याद रखना। ये हमारा Ba से बेरियम, Cl2 से क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है। ये हमारा Va से बेरियम, SO4 से क्या हो गया, सल्फेट, बेरियम सल्फेट। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, नाम लिख लेना, नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला अब हम लोग समझते हैं बच्चों सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, दोनों साथ में आते हैं, एक होता है हमारा ऊष्मा छेपी और एक होता है हमारा बच्चों ऊष्मा शोषी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों अभिक्रियाएं 4 नंबर में तो बच्चे फिक्स ही होते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, ठीक है। दोनों में नाम से ही आप लोगों को एक जैसा लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है वो क्या है। ऊष्मा छेपी, देखो ऊष्मा शोषी जो हमारा अगला अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का शोषण होता है और इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है, बाहर निकलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ऊष्मा छेपी इसका नाम है, इसलिए हमारा ऊष्मा का प्लस होना यानी कि बाहर निकलना, ठीक है। अभी आप लोगों को जब रिएक्शन के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, देखो ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब जो हमारा उत्पाद है उसके निर्माण की, मतलब हमारा उत्पाद बनती है तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बाहर ऐसे निकलती रहती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, उन्हें हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे आपने देखा होगा जब चूने को आप पानी में डालते हो तो ऐसे ऐसे लगता है कि भाप ऐसे ऐसे खूब निकलता है, तो वो भी हमारा भाप निकलना यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना, इसलिए हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है और अब हम लोग समझते हैं इसका उदाहरण, ठीक है। जैसे हमारा बच्चों है CH4 यानी कि मेथेन, ये हमारा मेथेन है याद रखना, प्लस O2 अर्थात ऑक्सीजन, मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा मेथेन है और इसका ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो हमारा यहाँ CO2 बाहर निकल जाएगा, मतलब और यहाँ 2H2O बन गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ C है, O2 हो गया और यहाँ 2H2O हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा O कितना था, 2 है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग 2 लगा देना,
ताकि ये हमारा चार ओ हो जाए, क्योंकि यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, चार ओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों जो हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी थोड़ा सा अधूरा है, इसमें आपको प्लस ऊष्मा लिखना है। क्या लिखना है? प्लस ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा हमें इसमें क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये हमारा मेथेन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा जल है, ये हमारा प्लस ऊष्मा है, ठीक है। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा, कुछ है नहीं इसमें, प्लस ऊष्मा हो गया बस। तो ये हमारा है ऊष्मा क्षेपी। अब हम लोग समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी वाला, ठीक है। देखो ऊष्मा शोषी जो हमारा दूसरा है, दोनों एक साथ में आते हैं कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए दोनों एक साथ आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, याद कर लेना, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत कर दो यार। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, टॉपर बनो, छोटे मोटे सपने मत देखो, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ही तेजी से चल रही है। तो आप भी छोटे मोटे सपने मत देखो, इतने बड़े सपने देखो जिसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़े, ठीक है। ऐसा सपना देखो, ऊष्मा शोषी, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है। ऊर्जा अवशोषित का मतलब, ऊर्जा जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं उत्पाद, ठीक है। तो अवशोषित होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा ऊष्मा शोषी में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। जैसे हमारा है N2 प्लस O2, N2 का मतलब नाइट्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों मिल गई और हमारा बनाएगा 2NO, ठीक है। अब इसमें हमारा माइनस ऊष्मा होगा। माइनस ऊष्मा का मतलब है कि हमारा ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, ठीक है। अगर ये ध्यान रखना, अगर माइनस ऊष्मा कहीं भी लगा हो, कहे रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए, तो आप बता देना बच्चों ऊष्मा शोषी है। अगर प्लस ऊष्मा लगा हो तो आप समझ जाना कि वो हमारा ऊष्मा छेपी है, ठीक है। तो ये आपको ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान भी है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारी अगली अभिक्रिया है उसको। स्टूडेंट, अब हमारा अगला रिएक्शन है, वो है ऑक्सीकरण। देखो मैं आपको समझा दूं, ऑक्सीकरण, ठीक है, और दूसरा इसके बाद हमारा अभिक्रिया है, ठीक है। जो हमारा ये ऑक्सीकरण है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर हमारा इसके बाद एक अभिक्रिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण में ध्यान से समझना, ऑक्सीकरण का नाम क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। नाम से यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। अगर ऑक्सीकरण है तो ये ध्यान रखना कि इसमें मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो, जैसे किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युति, ऑक्सीजन जो होता है वो ऋण विद्युति होता है, ठीक है, तत्व का ग्रहण करना, अर्थात अगर हमारा ऋण विद्युति तत्व जो होगा वो जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि ग्रहण करना अथवा हमारा हाइड्रोजन या धन विद्युति का त्याग करना, ठीक है। देखो, जो अगर हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का त्याग होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो धन विद्युति है, उसका त्याग होना की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में ध्यान रखना कि हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। अभी आगे हमारा एक अभिक्रिया आएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का हानि होगा यानी कि त्याग होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में याद रखना कि ऑक्सीजन हमारा जुड़ेगा यानी कि ग्रहण होगा और हमारा हाइड्रोजन का त्याग होगा। जैसे हमारा ध्यान से समझना, जैसे हमने लिया देखो Mg और प्लस O2, ठीक है, Mg प्लस O2 हमारा गिव्स आउट MgO, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यहां 2 है बच्चों, यहां भी 2 कर दो। देखो Mg भी हमारा 2 हो गया, यहां भी Mg 2 हो गया, O2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा ना, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा। अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो आप ध्यान रखना कि वो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो यहां देखो ऑक्सीजन अलग थे Mg से, अब यहां हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया, तो मतलब हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जिस अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसका ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हानि होना, उसका मतलब त्यागना, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया? नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आए। तो अब हम लोग देखते हैं अगला अभिक्रिया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, देखो अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। देखो हम लोग जो मतलब ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ध्यान रखना ये हमारा अपचयन है, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन, ठीक है। तो देखो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अब मैंने यही बताया था बच्चों कि ऑक्सीकरण जो अभी मैंने समझाया उसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा था, इसमें हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा और हमारा जो ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग होगा। सेम उल्टा है कि इसमें हमारा ऑक्सीजन क्या होगा, त्याग होगा और हमारा हाइड्रोजन वाले बाबा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के थोड़ा सा विपरीत है, इसलिए मैं आपको यही कहता हूं कि याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, कुछ है नहीं। जैसे हमारा CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, ठीक है। अब इसमें मैंने हाइड्रोजन यानी कि H2 से अभिक्रिया कराया, अब यहां क्या करेगा ध्यान से समझना, हमारा यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, यहाँ देखो Cu से ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ ना, Cu से, अब इसको हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। मतलब हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, Cu को हम लोग क्या कर देंगे, Cu को अलग यानी कि H2O हम लोग ले लेंगे, O को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे, H2O प्लस Cu को अलग कर देंगे। अगर मैंने यहां हाइड्रोजन जोड़ा और ऑक्सीजन को अलग किया, ठीक है, यहां मैंने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, मतलब यहां से ऑक्सीजन को मैंने अलग कर दिया और हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, सॉरी अपचयन, हाँ अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया और हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, ठीक है। मतलब यही है कि ऑक्सीजन व ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग हो गया ना, त्याग हो गया और हमारा जो धन विद्युतीय तत्व है यानी कि हाइड्रोजन है वो जुड़ गया, तो फिर वो हमारा हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये तो हमारा वाटर है यानी कि पानी है, Cu हमारा कॉपर है, Cu वो यानी कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है, और ये हमारा H2 पानी है, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन है, नाम लिख लेना, कुछ है नहीं, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करो। अब हमारा आता है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का हमारा ऑक्सीकरण होता है और दूसरे जो हमारा दूसरा अभिकारक है उसका अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। देखो इसमें हमारा जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एक ऑक्सीकरण एक अपचयन, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, ठीक है, इसलिए हमारा इसका नाम क्या पड़ा, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो यही कहना है कि अगर हमारा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो तो वो हमारा क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरा अभिकारक का अपचयन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण हम लोग समझते हैं, इसका उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उदाहरण हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा ZN है बच्चों, ZN प्लस CuSO4। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। ZN जो है वो अकेले था, अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, मतलब यहां ZnSO4 हो जाएगा, अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ZnSO4 हो जाएगा और प्लस Cu जो है वो अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। अब यहां मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं, देखो अगर यहां हमारा ZN के साथ क्या जुड़ा, Cu, आपका Cu अलग हो गया, ZnSO4 हो गया, ठीक है, तो यहां ZN के साथ हमारा SO4 यानी कि हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन देखो ZN के साथ जुड़ गया ना, तो ये हमारा ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, यहां ऑक्सीकरण दोनों इसमें होगा, और यहां CuSO4 जो है वो हमारा जो है SO4 में जो हमारा ये है ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ, हानि हुआ, मतलब त्याग हुआ, तो वो हमारा क्या होगा, अपचयन। तो इसमें हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब दो और टॉपिक है जो कि इसमें मैंने बता दूं, ठीक है, संक्षारण, और ये हमारा पहला टॉपिक है, दूसरा विकृत गंधिता। मैं आप लोगों को अपने तरफ से बता देता हूं बहुत अच्छे से, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में समझते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में, ठीक है, ये दो टॉपिक के बारे में अब हम लोग समझते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है। अब संक्षारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, अर्थात धीरे धीरे खत्म होना, कम होना। जैसे जब कोई भी पदार्थ जो है, ध्यान से समझना, संक्षारण का मतलब होता है जब कोई भी पदार्थ हमारे अम्ल जो होते हैं, अम्ल
आर्द्रता, अम्ल आर्द्रता का मतलब होता है जैसे नमी, ठीक है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं कोई भी पदार्थ। अगर हमारा संक्षारण का डिफिनेशन यही है कि जब कोई भी पदार्थ हमारा अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं और इसी को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसीलिए तो हम लोग लोहे पर पेंट चढ़ाते हैं, तो ये हमारा हो गया संक्षारण। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? विकृत गंधिता को समझिए, ठीक है, समझिए। जब कोई भी चीज जैसे वसा है, तेल है, उसमें बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें बनाया जाता है तो वो जब वायु के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होने लगती है। अब ऑक्सीकृत होंगी तो उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है, ठीक है, गंध आने लगता है जिससे वो खराब हो जाता है, तो वो हमारा विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है उसमें से गंध आने लगता है, और संक्षारण का मतलब होता है वो धीरे 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 संक्षारित होने लगती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही आप लोगों को समझना था कि हमारे इतने ही टॉपिक्स थे, ठीक है, इस चैप्टर में। जैसे हमारा ये पूरा चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, बस इस चैप्टर में आप लोगों को इतना ही समझना था, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और सारे बच्चे इस चैप्टर को तैयार कर लेना, और जितने भी बच्चे हमारे ऐप जो है सरमन लेक्चरर उसमें जो टॉपर बैच है उसको ज्वाइन नहीं किए हैं तो बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि टॉपर बैच पर अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है बच्चों, केवल 50 बच्चों के लिए ऑफर है, 50 छात्रों के लिए, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क जरूर कर लेना, हमारे पास कॉल या व्हाट्सएप जरूर कर लेना, ठीक है, हाँ 9918863196, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आप लोगों को सारी जानकारी बता दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे तैयारी होगी, सारी कुछ, ठीक है। तो टॉपर्स बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पूरा आप लोगों को टॉपिक समझा दिया, समाप्त हो गया, और ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हमारा यहीं से समाप्त हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था, ये हमारा वन शॉर्ट है, मतलब वन शॉर्ट पूरा आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब जितना ज्यादा आप लोग प्यार दिखाओगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ही जल्दी आप लोगों का, कल ही मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए सेकेंड चैप्टर लाने का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सके। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।